राजस्थान के कद्दावर कांग्रेसी नेता शीशराम ओला का जन्म 1927 में राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था। शीशराम ओला ने पहली बार 1957 में राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। बाद में 1980 से 1990 तक वे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। 1996 में वे पहली बार झुंझुनू से संसद पहुंचे और उसके बाद 2009 तक लगातार सांसद रहे। केंद्र में भी कई अहम जिम्मेदारियों को निभाया। शीशराम ओला को पिछले कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि यूपीए 1 में भी वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। शीशराम ओला की गिनती राजस्थान के कद्दावर जाट नेता के तौर पर की जाती रही है। उन्होंने 8 बार विधानसभा और 5 बार संसद का चुनाव जीता। शीशराम ओला को सामाजिक कामों के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया था। 1952 में उन्होंने ग्रामीण इलाके में लड़कियों के लिए इंदिरा गांधी बालिका निकेतन स्कूल की शुरुआत की थी। शिक्षा के क्षेत्र में इनके प्रयास से झुंझुनू को देश में सर्वाधिक शिक्षित जिले में तीसरा स्थान हासिल हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।